मुरादाबाद में तीसरी मंजिल पर बालकनी से लटकती महिला का वीडियो वायरल। आपसी झगड़े में बालकनी से कूदने की कोशिश कर रही थी महिला। दो युवकों ने महिला को ऊपर खींचा, पुलिस ने समझौता कराया। मोहाली ब्लास्ट को सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया है कायराना हरकत। ट्वीट कर कहा है कि पंजाब की शांति भंग करने की हो रही है कोशिश। पंजाब सरकार उन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने देगी। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। कोरोना महामारी में मोदी सरकार ने खजाना खोला। वित्त वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने लोगों को सब्सिडी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब 6,18,000 करोड़ रुपए आम जनता पर खर्च किए। श्रीलंका में आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के ठीक पहले उन्होंने ट्वीट किया था, श्रीलंका में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है, ऐसे में मैं आम जनता से संयम बरतने और ये याद रखने की अपील करता हूं। यूक्रेन युद्ध के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बीते रोज अचानक यूक्रेन का दौरा किया और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने राजधानी कीव में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान ट्रूडो ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध अपराध के सबसे निचले स्तर के जिम्मेदार हैं। अमित मिश्रा ने बताया है कि धोनी अपने बल्ले को साफ रखने के लिए ड्रेसिंग रूम में उसे चबाते रहते हैं, इससे उन्हें बल्लेबाजी में कोई मदद नहीं मिलती लेकिन उनका बल्ला साफ रहता है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में जल्द दंगल करते दिखेंगे कैदी। जेल नंबर 2 में बंद एक दो नहीं बल्कि 20 पहलवान तैयार हो रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार इन कैदियों को कुश्ती के दांव पेंच और शारीरिक तंदुरुस्ती के गुर सिखा रहे हैं। शेयर बाजार ने की ग्रीन जोन से शुरुआत, अभी भी बरकरार बिकवाली का प्रेशर। सेंसेक्स 108 अंक उछला, निफ्टी भी बढ़त को लेकर 16,300 के पार खुला। अक्षय कुमार इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पृथ्वीराज को लेकर चर्चाओं में हैं। फैंस भी बेसब्री से अक्षय की इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों के इंतजार को थोड़ा कम करते हुए फिल्म के मेकर्स ने सोमवार को अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर स्टार ने इस फिल्म का दमदार ट्रेलर जारी किया। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है। सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, जिसमें सोनाक्षी अपनी उंगलियों की अंगूठी दिखा रही हैं। फोटो सामने आने के बाद माना जा रहा है कि सोनाक्षी ने सगाई कर ली है। तस्वीरों में सोनाक्षी बहुत खुश नजर आ रही हैं।